जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें अपने मोबाइल पर लेटेस्ट जॉब पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे और मैं भी सही हूँ। आज जो हम बात करेंगे किसी जॉब से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे जो कि जिनसे कि मैं आपके बारे में जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो जॉब से रिगार्डिंग देता हूँ, जिसमें कि आपको किसी भी कंट्री का, गल्फ कंट्री का या यूरोप कंट्री का जॉब से रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आज जो मैं आपको बताऊँगा वो बताऊँगा कि आपके पास में कहीं का भी अगर आपके पास में वीज़ा आता है तो आप उसको ऑनलाइन चेक कैसे कर सकते हैं। और आज जो बात करेंगे सिर्फ हम बात करेंगे सऊदी अरब की रिगार्डिंग। तो सऊदी अरब का जो आप ऑनलाइन वीज़ा चेक कर सकते हैं, या आपका मुफा हो जाए, वीज़ा लग जाए और वीज़ा नंबर यानी कि वीज़ा स्टैम्पिंग हो जाए, वो सारी चीज़ आप कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, आपका काम सही हो रहा है या गलत हो रहा, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। अगर एक आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा काम कहाँ से हो रहा है और कैसे कैसे स्टेप है, और वो सारी चीज़ आपको मैं इस वीडियो के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करने वाला हूँ। अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखें, और आप अपना काम कहीं से भी कराएं, चाहे मेरे थ्रू कराएं जो मैं आपको वीडियो बनाता हूँ उसके जो ऑफिस की, तो उस ऑफिस से कराएं, या आप कहीं अदर ऑफिस से अगर काम कराते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि आपका वाकई में काम लीगल हो रहा है कि अनलीगल हो रहा है। क्योंकि इस फील्ड के अंदर जो है बहुत सारे लोग गलत बैठे हैं कि आपका पैसा ले लेते हैं और सिर्फ आपको फर्जी वीज़ा और फर्जी जो है काम करके आपसे पैसा ऐंठते हैं, उसके बाद में फुर हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप, तो सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं और किस तरह से आपका काम सही होगा। अगर ये आपके काम में प्रोसेस चल रहा है तो आप उसको समझ लीजिएगा कि आपका काम सही ही हो रहा, और अगर जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ नहीं हो रही है तो समझ लीजिएगा आपका 2 नंबर काम हो रहा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर दूंगा। अगर आप एक सऊदी अरब जाना चाहते हैं, अगर आपके पास में वीज़ा आया हुआ है, तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और उसके बाद में आप इस चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे अपना वीज़ा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं जॉब से रिकॉर्ड वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका हाथों हाथ लाभ ले पाएँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि हमारी वजह से और आप लोगों की वजह से किसी भी भाई बंधु के साथ में अगर गलत हो रहा हो तो वो रुक सके, और ये वीडियो देखने के बाद में वो संभल सके कि भाई हाँ मेरा काम सही हो रहा है या गलत हो रहा। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें, उससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं कि नहीं पसंद। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए फिर वीडियो आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, तो मेरे पास में जो है वीज़ा है सऊदी अरब का है, तो काफ़ी सारे वीज़ा, लेकिन मैं आपको एक वीज़ा चेक करके बताता हूँ यहाँ पर किस तरह से आप वीज़ा चेक कर सकते हैं और किस तरह से आप सारी चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में किसी भी एजेंट से आपने काम कराया, किसी भी ऑफिस से काम कराया, तो आपको वीज़ा जैसा देगा वो, तो उसके बाद में आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और उसको सारी चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सऊदी अरब का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से चलता है। अगर आप कहीं भी सऊदी अरब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका मूफा बनेगा, ठीक है। मूफा जो बनेगा वो आपका मेडिकल के बाद में बनेगा, यानी कि मूफा पहले ही रेडी हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स पे रेडी हो जाता है, मेडिकल होता, मूफा अपडेट होगा, आपका मेडिकल उठा लिया जाता, उसके बाद में वीज़ा आपका इश्यू हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से आप वीज़ा चेक कर सकते हैं और किस तरह से आपका ऑनलाइन चेक होगा वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, और वीज़ा नंबर स्टैम्पिंग के बाद क्या क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए वो सारी चीज़ मैं आपको ऑनलाइन दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक वेबसाइट, जो वेबसाइट पे इंजाज वेबसाइट है, उस पर जाकर आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाएँ और अपना जो है आपको ना एप्लीकेशन नंबर मिला हुआ है उसको डालें, और अपना जो भी चीज़ है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और ऑनलाइन चेक करके बताऊंगा कि आप किस तरह से उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। को मैं अब लाइव करके दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप अपने वीज़ा को चेक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा जो मैं आपको डाल के यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहले मैंने इसको डाल रखा है पहले ही injaz.com, ठीक है ना। तो आप इस पर क्लिक करिएगा, ये जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इस पर आप जैसे ये डालेंगे तो थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा।
जैसे ही आप ये डाल देंगे तो उसके बाद में जो है आपके सामने ये कई सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट खुल के आ गई हैं सऊदी अरब की। तो यहाँ पे तो है आप ये जो सब फर्स्ट वेबसाइट है आप इसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और लैंग्वेज जो है अपना हिसाब से जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं वो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं और उसी के रिगार्डिंग आप कोई भी चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट पे जो है क्लिक करेंगे और डायरेक्टली मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा आपको, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करें। उसके बाद में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं और जो आपके पास में वीज़ा है वो सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। और इसको मैं जो कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको फुल स्क्रीन में दिखा सकूँ और सारी चीज़ आपके सामने क्लियर हो सके। तो अभी मैं जो आपको करने वाला हूँ, तो एक मेरा सब्सक्राइबर है जिस बंदे का काम हुआ था, काफ़ी सारे बंदों का काम हुआ, तो मैं आपको सिर्फ़ एक का एग्जांपल देने वाला हूँ कि उसका जब वीज़ा सामने से दिया तो मैंने देखा, मैंने कि मैं भी चेक करके देखूँ, तो वो सारी चीज़ मैंने देखी तो बंदे का पूरा कंप्लीट काम सही शुद्ध हो रहा। तो बंदे का जो है सऊदी अरब का काम हुआ था पैकिंग वाले में और इसका इंटरव्यू हुआ था, सारी चीज़ हुई थी। तो मैंने सोचा एक बार इसका चेक कर लेते हैं वीज़ा किस तरह से क्या है क्या नहीं है। तो वो सारी चीज़ मैंने देखी तो सोचा कि आप लोगों को भी बता दें। तो सबसे पहले तो आपको जब उसने भी मुझे बता दिया था कि भाई आप ऑनलाइन हो चुका बंदे का वीज़ा, आप देख सकते हैं, तो उसने मुझे दिया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसने भी देखो इसी वेबसाइट पे चेक किया हुआ है और इसी से प्रिंट निकाल के दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें सारा कुछ आ रहा है। तो मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूँ। अब हमें कैसे करना, तो सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन नंबर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने जूम कर दिया, एप्लीकेशन नंबर E26 30 30 20 44 और 6458, ठीक है ना, ये आपका है एप्लीकेशन नंबर। तो इसको हमें डालना और इनका पासपोर्ट नंबर जिस बंदे का, जैसे कि ये सलमान है तो मुझे इसका डालना होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ इसको डाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या डालना है, एप्लीकेशन नंबर, तो एप्लीकेशन नंबर है इनका E26 30, हाँ यही है, जैसे कि आपने देखा एप्लीकेशन नंबर आपके सामने आ गया है। अब हम डालते हैं यहाँ पे उनका पासपोर्ट नंबर, ठीक है। तो पासपोर्ट नंबर में हम देख लेंगे उनका पासपोर्ट नंबर क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या नहीं है, वो तो वो सारी चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो पासपोर्ट नंबर है वो T795 14 14 21, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख लें, इनका नाम है सलमान T795 14 21, ठीक है। तो ये आप डाल सकते हैं और यहाँ पे आप डालिएगा कैप्चर 73 93 97। अब कर देते हैं इंक्वायरी पे क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूरी चीज़ यहाँ पे सामने आ जाएगी, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, नेट क्योंकि स्लो चल रहा है इसलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये जो मैंने आपको अभी इसका जो स्टैम्पिंग भी हो चुका है वो सारी चीज़ भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें अटैच करने वाला हूँ, स्टैम्पिंग वगैरह सारी चीज़ हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका ऑर्डर नंबर भी आ गया है, एप्लीकेशन डेट भी आ गई है, सारी चीज़ आ गई है इसमें, और वीज़ा टाइप भी आ गया, वर्क और इनका कहाँ से क्या हुआ वो सारी चीज़ यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इनका जो वीज़ा है वो सारा कुछ ऑनलाइन शो कर रहा है। इसी तरह से आप अपने वीज़ा को भी चेक कर सकते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ और जो है इनका स्पॉन्सर नाम, सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ गई है। अब अगर आप इसको प्रिंट निकालना चाहें तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और सारी चीज़ इसको कर सकते हैं आप, इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं ऐसे। फिर तो प्रिंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और सारी चीज़ जैसे कि आप देख रहे होंगे। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए ये वीज़ा नंबर है सबसे ऊपर जो है, ठीक है ना, ये वाला जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैंने जूम कर दिया, इसको देख रहे होंगे 13 017 76 और आपके बाद में 565, ये वीज़ा नंबर है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्टैम्पिंग वाला वीज़ा नंबर, उस पर भी दिखा देता हूँ, ये सेम मैच हो रहा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि इन्होंने देखिए ऑनलाइन यहाँ पे चेक किया हुआ था तो यहाँ पे भी यही है 13 017 76 565, ठीक है। तो अब हम इसको भी दिखा देते हैं कि किस, ये देखिए ये इनका स्टैम्पिंग हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वीज़ा नंबर, ये आ गया इनका वीज़ा नंबर, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं 13 017 76 565, ठीक है। तो
तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं उस चीज़ के बारे में। और अगर कोई भी बंदा अगर इस चीज़ को समझ नहीं पाया तो वो दोबारा से वीडियो देखे तो इंशाल्लाह उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी किस तरह से आप वीज़ा अपना चेक कर सकते हैं, ख़ुद ही ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, लैपटॉप से भी चेक कर सकते हैं, और लैपटॉप होता तो मैं आपको जूम करके और क्लियरली तरीके से समझा सकता था, लेकिन इसमें भी उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और वो सारी चीज़ आप वीज़ा पर जो स्टैम्पिंग होता है उसके बाद में वीज़ा नंबर सारी चीज़ आप देख सकते हो, वहाँ पर स्पॉन्सर नाम वगैरह सारी चीज़ आपकी आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर इस तरह से आप चेक करते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन अगर ठीक आ रही है, आपका ऑनलाइन शो हो रहा है, तो आपका कंप्लीट काम जो है लीगल तरीके से किया जा रहा और लीगल प्रोसेस में आपका काम है हो रहा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों का शेयर ज़रूर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी भी भाई बंधु को जो मैं जो जो पाने के लिए आसानी हो जाए और वो वीज़ा चेक करने के लिए उसको बहुत बहुत आसानी हो जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।